हमारे यूट्यूब चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाए और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। आज हमारे बीच डूंगरपुर प्रत्याशी कांतिलाल जी है हमारे बीच, जो आदिवासी पार्टी से है। सर बताइए, विधानसभा का चुनाव हो गया, अब लोकसभा का चुनाव की क्या तैयारी है, आप पार्टी की बताइए। एकता समाचार को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जोहार। हमारी बात को आम जनता तक पहुंचाओगे ऐसा हमें विश्वास और आशा है। भारत आदिवासी पार्टी ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। 3 सीटें हम जीत कर आए हैं और 3 से 4 सीटें हम सेकंड पोजीशन आए हैं, बाकी हम थर्ड पोजीशन आए। थर्ड पोजीशन वाले भी हम लोग 60-70 हज़ार के आसपास आए हैं, तो एक आशातीत से ज़्यादा भी रिजल्ट हमने दिया है। तो हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हम 2 लोकसभा सीट हमारे राजस्थान में पड़ती है, एक तो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाली, एक उदयपुर वाली। तो हम इसमें दमखम के साथ में हम दोनों लोकसभा सीट लड़ेंगे और हम चाहते हैं कि दोनों में से हम जीत के जाए और इस इलाके की जो मूलभूत सुविधा है नहीं मिल पाई है, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे जनरल समाज हो, चाहे कोई भी समाज हो, गरीब तबका वर्ग हो, उसको जो सुविधा नहीं मिल पाई है वो सुविधा उपलब्ध कराने का हम लोग संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और ये लड़ाई 1952 से कांग्रेस बीजेपी लड़ती आई है, लेकिन वो आज तक संपूर्ण रूप से नहीं करवा पाए काम, वो काम हम लोग करवाने वाले हैं। अभी हम लोग देखते आए प्राय पहली विधानसभा के अंदर हमारे राजकुमार जी रोहत 84 से थे, उन्होंने इतना काम करवाया कि 84 के अंदर उनको आशातीत से ज़्यादा 1,11,000 वोट मिले। ठीक उसी प्रकार से सागवाड़ा के अंदर हम लोग हारे नहीं हैं, सागवाड़ा के अंदर हम लोग ने 64,000 वोट लिया, पहले राम प्रसाद जी को 58 के आसपास वोट मिले थे, तो वोट फेर बड़ा हमारा। और मैं डूंगरपुर से स्वयं प्रत्याशी था, मैं डूंगरपुर से हारा नहीं हूँ, हराया गया हूँ। वहाँ पे दारू, मीट, रुपया, पैसा अनोप थनोप बांटा है, एक रात के अंदर करोड़ रुपये बांट दिया है, तो पैसे के दम पर लोकतंत्र की हत्या हुई है। इसलिए हम चाहते हैं कि लोकसभा के अंदर हम लोग दमखम के साथ में राजस्थान की 2 लोकसभा सीट लड़ेंगे, मध्य प्रदेश की 2 और गुजरात की 3, महाराष्ट्र की 1। ऐसा करके हमने 7 से 8 लोकसभा सीट लड़ने का मानस बना लिया है और हम लोग बड़ी मीटिंगों के साथ में आने वाले समय में राजस्थान के दोनों लोकसभा सीटों के अंदर हम लोग बड़े बड़े सेमिनार करेंगे, गुजरात में करेंगे, मध्य प्रदेश में करेंगे और महाराष्ट्र में करेंगे। और हम चाहते हैं अगर कोई भी गठबंधन करना चाहे तो हम अपन है, आ जाइए, हमारे साथ में गठबंधन कर सकता है। अगर नहीं करना चाहते तो हम स्वतंत्र रूप से लड़ने के लिए तैयार हैं। ये हम एक संदेश देना चाहते हैं आपके एकता चैनल के मार्फत से। बाकी चुनाव का रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा, आप सभी ने हमको साथ सहयोग दिया, कुदरत ने साथ सहयोग दिया। एक मेरा जो भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट का जो मार है अभी तक मैं उससे उभरा नहीं हूँ। और उस एक्सीडेंट में आप सभी ने, सभी आदिवासी जनता और जनरल जनता ने जिस प्रकार से मेरे लिए प्रार्थना की, कुदरत से दुआएं की, जिसकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। और हमारे एक जगदीश भाई की डेथ हो गई, मणिलाल ग्रासिया और मोहन भाई दोनों गंभीर रूप से घायल हुए, मैं 6 दिन मरा रहा, फिर भी आपकी ताकत की वजह से मैं उठ के आपके बीच में आया और विधानसभा चुनाव लड़ा, सेकंड पोजीशन रहा। आने वाले समय में हम निश्चित रूप से लड़ेंगे, जीतेंगे और जनता की सेवा करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ में आपके चैनल को धन्यवाद, आभार। सर अभी एक हमें जानकारी मिली, चुनाव में हमको देखने को मिला कि कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, वो उदयपुर संभाग और बांसवाड़ा संभाग को अलग ही नज़र से देख रहे थे और बाप पार्टी का जनाधार अब बड़ा है, तो आगे लोकसभा में किस तैयारी चलेंगी आपकी? ऐसा है सर कि आपके पंचायत राज चुनाव में कांग्रेस बीजेपी एक हुए, ठीक है, तो अभी हमें ऐसा लगता है कि ये जो विधानसभा चुनाव हुए जिसमें आसपुर विधानसभा हम जीते और 84 विधानसभा हम जीते, तो हो सकता है अंडरग्राउंड टाई अप कर लिया उन्होंने, सागवाड़ा बीजेपी जीत गई और डूंगरपुर कांग्रेस जीत गई, तो उनके वोटों का ध्रुवीकरण करके आमने सामने वोट बंटवा दिए, ये स्थानीय राजनीति हुए, लेकिन बड़े स्तर पर लोगों को पता नहीं चलने दिया। तो ठीक उसी प्रकार से जहाँ जहाँ बीएपी जीत रही थी, भारत आदिवासी पार्टी जीत रही थी, वहाँ पर उन्होंने इस प्रकार का कुकृत्य काम करके हरवाने का काम किया है, जिसको कुदरत कभी माफ़ नहीं करेगी
और जिसको उनके आला कमान भी कभी माफ़ नहीं करेंगे, भविष्य में ऐसे व्यक्ति को हम भी हमारे नज़रों में हैं उनको टिकट नहीं दिलाने देंगे। और जो भी हमारे साथ में भी कुछ लोग ऐसे भी जुड़े हुए थे जिन्होंने हमारे साथ में गद्दारी की है, ऐसे लोगों की हम लोग कभी माफ़ नहीं करेंगे। और ऐसे कांग्रेस बीजेपी के लोगों के लिए भी हम लोग उनके आकाओं से बात करके उनको भी पार्टी से बाहर करवाएंगे, हम लोग ये काम करेंगे जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, एकता समाचार को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जोहार।